I am an American Muslim. This concept of humility, we need this collective humility again. Islam is an invitation to all of humanity. And the people who are blowing themselves up. Not true Islam. This is distortion of Islam. I say this loudly, with no fear. Muslims America ke pichle case, rock and roll Muslim mein aap mile Umar Waqar se. उमर वकार कैलिफोर्निया में पैदा होने वाले अमेरिकन मुसलमान हैं। वो इंडी रॉक मौसीकी को कदीम रिवायती हिंदुस्तानी लोक मौसीकी के साथ मुतारफ करवा रहे हैं। बात यह है कि मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ। ये ज़्यादातर हिंदी रॉक मौसीकी पर मुश्तमिल होगा, जिसमें मशरक़ी मौसीकी की वाज़ह आमेज़िश के साथ शोख रक़्स का अंसर आया होगा। मैंने इसका नाम सरमस्त रखा है। ये सचल सरमस्त के नाम से मौसूम है, जो कि एक सूफी बुजुर्ग थे। और हमने उमर वकार से बात की उनकी मौसीकी के मकसद के बारे में, और ये कि अमेरिका में एक नौजवान की हैसियत से उनके क्या तजर्बात और एहसासात हैं, और इसके साथ साथ एक अमेरिकी मुसलमान की हैसियत से उनकी क्या सोच है। 11 सितंबर के बाद बहुत ज़्यादा खुलकर मनफी रद्द अमल का इजहार किया गया, तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि मुझे इस किस्म के रवैये से कोई ताल्लुक नहीं रखना। मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं था। For the most part, I was just like, man, I don't want to deal with it. You know, I don't even want to think about it. I just want to go back to being Omar. You know what I mean? Why does it have to be, oh, that's the Muslim, you know? Get him. Like, come on, you know? मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। मैं सिर्फ अपनी जात तक महदूद हो जाना चाहता था। और ये मायूस कुन बात थी, क्योंकि उन लोगों के साथ भी जिनके मैं करीब था, वो एकदम मुझसे दूर हो गए। अरे भाई, इनको देखो, ये मेरी पूरी जिंदगी से वाकिफ़ हैं। मेरा दिल तो मोहब्बत से भरा हुआ है। उमर वकार समझते हैं कि सकाफती सरहदें अबूर करने से ये मुमकिन होता है कि एक दूसरे के लिए लोगों की सोच में बेहतरी लाई जा सके। आपको दोनों सकाफतों से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे बहुत तजुर्बा है। कहना यह है कि इससे मुझे जो बात समझ में आ गई कि मैं कौन हूँ। दोनों सकाफतों से मुतालिक तजुर्बे ने मुझे बहुत कुछ दिया। मैं वो कुछ बन सका जो मैं हूँ। मुस्लिम्स अमेरिका की नेक्स्ट एपिसोड, वुमेन इन इस्लाम। जिसमें हम आपको ले चलेंगे वाशिंगटन डीसी से 1600 किलोमीटर के फासले पर टैम्पा शहर में, जहां पर खदीजा रवेरा इस बात को मुमकिन बनाने के लिए कोशिश है कि सड़क पर रहने वाले बेघर अफराद कुछ रातें भूखे ना सोएं। देखते रहिए मुस्लिम समय का हर जुमे को। मैं हूं साकिब उल इस्लाम। आई एम एन अमेरिकन मुस्लिम। Concept of humility. We need this collective humility again. Islam is an invitation to all of humanity. And the people who are blowing themselves up. Not true Islam. This is distortion of Islam. I say this loudly, with no fear.